Hello students, let's continue Python programs. बेटा हमने इससे पहले if loop किया, अब हम for loop करेंगे. Sometimes we need to repeat. कई बार ऐसा होता है प्रोग्राम में कुछ चीजें हमें बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं. जैसे आपका टेबल है 2 1 2 2 2 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 2 को 4 से. तो एवरी टाइम आप प्रोसेस जो स्टेप है उसको रिपीट कर रहे हैं, तो वो हम फॉर लूप से काम करते हैं. अकॉर्डिंग टू बुक बेटा, फॉर एग्जाम्पल ए प्रोग्राम हैज टू डिस्प्ले अटेंडेंस फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ ए क्लास. हर एक स्टूडेंट की अटेंडेंस डिस्प्ले करनी है क्लास की. हियर द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट द प्रिंट स्टेटमेंट. आप प्रिंट स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होगी, रोल नंबर 1 की अटेंडेंस, रोल नंबर 2 के लिए अटेंडेंस. इन द प्रोग्रामिंग द काइंड ऑफ रिपीटेशन, जो रिपीटेशन होती है बेटा उसको हम बोलते हैं लूपिंग. Repetition is called looping and it is done using the statement. और ये एक statement से होती है. The for statement is used to iterate over a range of value. For जो loop है एक range को, एक value को repeat करता है और a sequence. The loop is executed for each item. Loop जो है हर एक item को execute कर रहा है range में. The value can be numbers. आपके जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लिस्ट हो सकते हैं, ट्यूपल हो सकते हैं. व्हेन ऑल द आइटम इन ए रेंज आर एग्जीक्यूटेड द स्टेटमेंट विद इन ए लूप आर नॉट एग्जीक्यूटेड. जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होती एंड पाइथन इंटरप्रेटर स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट. जो फोर के बाद लिखा हुआ है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन काम करता है. While using for loop, we should know the advance the number of time. आपको जब for loop कर रहे हो तो आपको number of repetition की उस task को कितनी बार आपने repeat करना है. जैसे आपने class में attendance लगानी है तो आपको मालूम है class में 20 students हैं. तो 20 times आपकी attendance लगेगी, तो मतलब number of times कितना attendance को print करना, 20. तो आपको number of times को execute करना है. तो क्या एक इसका है सिंटैक्स, फोर लूप्स कैसे चलता है बेटा. फोर जो होती है कंट्रोल चलते हैं, उसके बाद इन आता है. एग्जांपल से आपको क्लियर होगा. जैसे आपका एग्जांपल है प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर, आपको इवन नंबर प्रिंट करना है एक सीक्वेंस जो दी हुई है फोर लूप से. तो प्रोग्राम क्या बना के रख दिया है इसने बेटा, प्रिंट इवन नंबर इन द गिवन सीक्वेंस. अब आपको एक सीक्वेंस दी हुई है 1 to 10 की, इसमें से आपने सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट करना है. तो आपने किस तरह से प्रोग्राम बनाना है, फोर नम. नम एक वेरिएबल है नंबर के अंदर. नंबर क्या, एक लिस्ट है जिसके अंदर आपके 1 to 10 पड़े हैं. तो नम एक वेरिएबल है इन नंबर्स में. उसके बाद कॉलन, जैसे इफ कंडीशन में कॉलन आता है ऐसे ही फोर में कॉलन आएगा. तो आपने क्या कंडीशन लगा दी, इफ. अब आप क्या चेक करेंगे कि नाम, नाम का मॉड्यूल 2, इट मींस अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो प्रिंट कर दे नाम. नाम क्या है, वो नंबर इज एन इवन नंबर. अब ये इस लिस्ट में से पहले 1 को चेक करेगा, नहीं है तो छोड़ देगा बेटा. एग्जीक्यूशन इफ के बाद प्रिंट तब होगा जब इवन नंबर आए. इसने 2 को चेक किया, 2 का देखा रिमाइंडर, 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इवन नंबर है. नेक्स्ट नंबर 3 को चेक किया, फिर 4 को, इस तरह से पूरी लिस्ट में चेक किया और जो उनसे इवन नंबर है उसको आउटपुट में डिस्प्ले कर दिया. द बॉडी ऑफ द लूप इंटेंड विद रिक्वेस्ट फोर स्टेटमेंट. अब बॉडी क्या, फोर स्टेटमेंट से स्टार्ट. क्लियर है फोर लूप. इसका एक एग्जांपल बेटा मैं आपको और करवा रही हूँ फोर लूप का. तो लेट स्टार्ट एनाकोंडा पाइथन. बेटा जैसे हमने स्पाइडर खोल लिया है, एनाकोंडा स्पाइडर,
उसके बाद आप फाइल में जाके क्या करेंगे, न्यू फाइल। अब आपने हैश क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम टू प्रिंट टेबल ऑफ ए नंबर। आप किसी नंबर का टेबल बनाना चाहते हो, नंबर फॉर एग्जांपल आपने दे दिया 5। उसके बाद आपने नम एक वैल्यू ले ली, न्यूमेरिकल नम एक वेरिएबल है जिसके अंदर 5 डाल दिया। 5 का टेबल बनाना है तो क्या स्टोर कर दी, 5। और फिर फोर ए लूप बना दिया, एक ए लूप। उसकी रेंज क्या है बेटा, 1 लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट करना है और अपर लिमिट। अपर लिमिट जो होती है वो इंक्लूड नहीं होती, इट मीन्स वैल्यू 1 to 10 तक जाएंगी। और जैसे इफ में कॉलन आता था इस तरह से फोर में कॉलन आएगा। आप क्या है लिखेंगे, प्रिंट प्रिंट आपने क्या प्रिंट करना है, नाम नाम वो 5 कॉमा एक्स। एक्स आप मल्टीप्लाई का सिंबल शो कर रहे हैं। उसके बाद ए वैल्यू, ए के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, 1 to 10, पहले 1 फिर 2 फिर 3, क्लियर है, एंड सो ऑन। इक्वल टू का सिंबल, और उसके बाद आपने दे दिया नाम मल्टीप्लाई बाय ए, क्लियर है। इसको सेव एंड रन किया आपने, इसको सेव कर दिया आपने टेबल के नाम पे, कहाँ पे, टेबल डॉट पी वाई, सेव। और आपका 5 का टेबल डिस्प्ले हो गया। यहाँ देखिए, आपने पहले नाम लिया, फिर मल्टीप्लाई का सिंबल, फिर ए की वैल्यू, फिर इक्वल टू, और फिर नाम और ए का मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गई आपकी नम की वैल्यू, ये मल्टीप्लाई का सिंबल, ये ए की वैल्यू। ए के लिए आपने क्या लिया था, रेंज ली थी 1 to 10, अपर लिमिट काउंट नहीं होती। आपने 11 लिखा है तो 10 तक आएगा, इक्वल टू का सिंबल, और फिर नम और ए का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है बेटा। अगर आप यूजर से, अब तो आपने प्रोग्राम के अंदर नम की वैल्यू दे दी, आप चाहते हो कि ये वैल्यू यूजर दे, जिस नंबर का टेबल बनाना है आप यूजर से पुट करना चाहते हो, तो नाम इक्वल टू, इसका डाटा टाइप क्या होगा, इंटीजर ब्रैकेट इनपुट। इनपुट का मतलब आप यूजर से पूछ रहे हो, एंटर द नंबर, एंटर द नंबर, वो नंबर एंटर करो जिसका टेबल क्रिएट करना है। और उसके बाद आपने क्या किया, रन कर दिया, यहाँ से आपने एंटर द नंबर कोई भी वैल्यू दे दी, फॉर एग्जाम्पल 12, और एंटर किया तो 12 का टेबल आ गया। अब आप दोबारा रन करके देखिए बेटा इस प्रोग्राम को, आपने वैल्यू दे दी यहाँ पे 9, और रन किया एंटर किया तो 9 का टेबल आ गया। आई होप क्लियर। फोर लूप, आज हमने क्या किया बेटा, फोर लूप। ओके,